सो हे गाइस, वेलकम बैक हो चुका है आप लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज हम लोग यहाँ पे दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट डाउनक्राफ्ट। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा से आ चुके हैं अपने डाउनक्राफ्ट के वर्ल्ड के अंदर। और एक सेकंड रुको भाई, ये कौन है? हद मच रखी है, पता नहीं मेरे साथ क्या किस्मत खराब है मेरी कि मैं जब भी रिकॉर्ड करता हूँ या कब भी कुछ भी ऐसा करता हूँ हमेशा कोई ना कोई दिक्कत होने लगती है। और यहाँ पे तो पूमा भी आ गई मुझसे फाइट करने के लिए। अरे सॉरी भाई, मैं सिर्फ यहाँ पे खड़ा हुआ था आउट्रो के लिए, आई मीन इंट्रो के लिए। यहाँ पे मुझे इतने लोगों ने अटैक भी कर दिया थी जल्दी। तुम लोग देख रहे हो इस वर्ल्ड में क्या हो रहा है, मैं जस्ट अभी आया हूँ और मुझे आते ही लोगों ने खोलना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। डैम भाई, क्या करूं मैं इस वर्ल्ड का। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा से आ चुके हैं वर्ल्ड के अंदर और सामने की तरफ तुम्हें दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक बॉस बार है। तो मैं यहाँ पे सीधे ही बॉस की लोकेशन तक पहुंच चुका हूँ क्योंकि आज हम लोग डिफीट करने वाले हैं कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक बॉस को। और उस बॉस का नाम है द नाइट रोबर। जस्ट सर, हम लोग नाइट रोबर को आज डिफीट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि उसे डिफीट करने में कितनी मुश्किल होने वाली है। तो साथ साथ यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें अपग्रेड करी है। तुम लोग देख रहे हो कि मेरे पास एक पूरा का पूरा नहीं तो थोड़ा सा छोड़ के यहाँ पे हमारा नेदर आर्मर हमारे पास है, एक बहुत प्यारी शील्ड मेरे पास है एंड हमारे पास स्वॉर्ड है, हमारे पास है सेंटिनल लाइट की स्वॉर्ड है जो तुम्हें पता हो पिछली वाली वीडियो में हमें मिली थी। एंड साथ साथ हमारे पास यहाँ पे ओपी ड्रॉपी स्पीयर है, लेट्स गो। वो हमारी ऑलरेडी थी तो ऊपर जाएगी और होपफुली मुझे इतना करिए बच गया। एंड यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी प्रिपरेशन उसे फाइट करने के लिए कर ली है। एंड उस बॉस से फाइट करने के लिए यहाँ पे मैं बहुत सारे स्क्रोल लेके आया हूँ जो कि मुझे यूज करने पड़ेंगे बीच बीच में। हमारे पास एक हीलिंग का स्क्रोल है एंड यहाँ पे हमारे पास एक इनविजिबिलिटी का स्क्रोल जो कि हम यूज करने वाले हैं। तो चलो भाई फटाफट चलते हैं उस बॉस के पास और देखते हैं कि वो बॉस कितना खतरनाक होने वाला है। तो ये स्ट्रक्चर है उस बॉस की एरिना। यस सर, वो पूरी की पूरी एक एरिना में रहता है। हमें उसके घर में जाके उसको मारना पड़ेगा और उसके घर में घुस के हमें उसे मारना सच में काफी मुश्किल हो सकता है। पर यहाँ पे साथ साथ मैंने बहुत सारी नई नई एबिलिटी सीखी हैं। तुम लोग ये देखो, यहाँ पे मैंने सीखी है एक डबल जंप। एंड साथ ही साथ यहाँ पे मैं फाइट करने से पहले एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने वाला हूँ जो कि है मेडिटेशन। यस सर, यहाँ पे हम लोग फाइट करने से पहले करेंगे थोड़ी सी मेडिटेशन ताकि हम उससे अच्छे से फाइट कर पाए। तो हमारा बंदा बैठ चुका है यहाँ पे मेडिटेट करने के लिए एंड थोड़ी बहुत टाइम में ये मेडिटेट करेगा, एकदम रिलैक्स हो जाएगा और इसके अंदर से ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी एनर्जी निकलेगी, एक टाइप की समझ लो तुम्हें एक हॉकी निकलेगी बहुत खतरनाक लेवल की, उससे हमें फाइट करने में बहुत मदद मिलेगी। तो यहाँ पे देखो सामने निकलना स्टार्ट भी हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा प्लेयर हो चुका है बहुत ही ज्यादा ओपी। तुम मुझे बस 2 मिनट और दो, यहाँ पे मैं फटाफट से ना पूरी की पूरी एनर्जी फुल करके तैयार होता हूँ बॉस से फाइट करने के लिए। एंड यहाँ पे इस बार हम लोग करने वाले हैं पूरी लीगल फाइट। यहाँ पे कोई आयरन गोलम नहीं है, तुम लोग देख रहे हो कोई भी आयरन गोलम लेके नहीं आया हूँ मैं क्योंकि इस बार हम लोग खुद से लड़ेंगे क्योंकि अभी मैं हो चुका हूँ बहुत ज्यादा पावरफुल और तुम लोगों को दिखाऊंगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारी मेडिटेशन ऑलरेडी लेजेंडरी फॉर्म में पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे देखो हमें मिल चुका है रीजनरेशन का इफेक्ट और सामने की तरफ वो बॉस हमारे पास आ चुका है। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, अब होने वाली है बहुत ही ज्यादा एपिक फाइट। टोटम रखेंगे हाथ में तो निकालते हैं। अरे रुक जा भाई, सबर कर, आ रहा हूँ तुझसे लड़ने ही आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर रुक जा। यहाँ पे फटाफट से पॉप चॉक उठाएंगे, गोल्डन कैरेट, गोल्डन एप्पल, जरूरत पड़ी तो गोल्डन एन्चेंटेड एप्पल भी है हमारे पास। और इस बॉस को अब मैं पीटने वाला हूँ, तो दिल थाम के बैठो दोस्तों क्योंकि अब होने वाली है खतरनाक 30। लेट्स गो, या या बेबी, यू जस्ट गोना डाई बेबी, नो वे, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, नो 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 नो, कुछ भी कर ले तू मुझे नहीं मार पाएगा बेटे, इस बार तो नहीं, इस बार नहीं भाई, इस बार नहीं, इस बार तो खोल दूंगा। स्टेमिना रीजनरेशन का टाइम हो चुका है, लेट्स गो। या या हाँ भैया, ये ले ये ले ये ले भाई, मुझसे नहीं बच सकता तू, ये ले। ओके ओके ओके, हेल्थ देख रहे हो, एक भी नहीं जा रही मेरी हेल्थ। मार मार मार, कितना मारेगा, मार मारता रहे, मरूंगा ही नहीं, मार। अरे देखो जो करना है तू वो कर भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ओ नाइस शॉट भाई, अच्छा अटैक था, बहुत बढ़िया, नाइस ट्राई, बट इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर मी। इसकी हेल्थ देखो यार, कम ऑन यार, इसकी हेल्थ देखो, ये बॉस था, ये इसकी हेल्थ देखो एक बार, हटा मैं लिटरली, मैंने कुछ नहीं एफर्ट डाले, मार मार मार। ये बंदे को मैं आज ट्रोल करने वाला हूँ, ये इस वर्ल्ड का बॉस है भाई, मार ना भाई, मार मार, ये मारा नहीं जा रहा क्या, क्या वह छोरे दिखा नहीं क्या, मार मार। Now you're gonna die. It's time. For the last shot. Power. I feel the power. Let's go. Meditation is the best thing, भाई. कुछ भी करो, एक बार मेडिटेट कर लो और कोई भी बॉस हो तुम्हारे सामने,
खत्म है। यहाँ पे हमने वो बॉस डिफीट कर दिया है और उसके बाद हमें मिल चुकी है हमारे एंड पोर्टल के लिए एक और नई आई। लेट्स गो, एक और आई कैप्चर हो चुकी है एंड यहाँ पे अब वक्त है इस बॉस की लूट को लेने का। ये किस ट्रेजर की रक्षा कर रहा था मुझे ढूंढना पड़ेगा। क्या छुपा रहे थे नाइट तुम यहाँ पर, मुझे बता दो पहले ही। इन तो दोबारा स्पॉन करके दोबारा मार के दोबारा पूछूंगा। इस नाइट ने सिर्फ आई ड्रॉप करी और कुछ भी ड्रॉप नहीं किया। और एक सेकंड रुको, मुझे तो यूज नहीं करने पड़े ये हील स्क्रोल, जरूरत ही नहीं थी। मेडिटेशन की वजह से मुझे रीजनरेशन मिल रखा है, जरूरत ही नहीं है फाइटिंग स्क्रोल्स की। लेट्स गो, क्या छुपा रहा था ये बंदा मुझे ढूंढना पड़ेगा। क्या इस पेड़ के ऊपर कुछ छुपा रखा है क्या इसने? वहां है, कहां है? ओ लेट्स गो, एक चेस्ट दिखा मुझे अभी। यहाँ पे सीधे चेस्ट पर, यहाँ पे इस नाइट का खजाना मिलने वाला है हमें और देखने वाला उसके अंदर क्या है। हियर वी गो। ओके लेट्स गो, हमारे पास एक स्वॉर्ड मिली है और डार्क कटाना। भाई साहब डार्क कटाना अपने को मिली है, लेट्स गो। और भाई इसमें क्या ही खतरनाक चीजें लग रखी हैं। इस बॉस को हराना वर्थ इट है भाई। शार्पनेस 8 लग रखी है इसमें, अनब्रेकिंग और फायर स्पेक्ट 3 लग रखी है। नाइस, बहुत ही ओपी लूट। एक बॉस डिफीट हो चुका है और अब वक्त है दूसरे बॉस के पास जाने का। पर एक सेकंड, उससे पहले मैं ट्राई करने वाला हूँ उस कटाना को कि ये क्या करने वाली है। तो उसको हम लोग चेंज करने वाले हैं हमारे सेंटिनल नाइट के स्वॉर्ड की जगह, जो कि हमारे पिछले वाले बॉस ने हमें दी थी। और हमारा नया बॉस हमें एक नई कटाना दी है। वो हो भाई साहब, इसको हम दोबारा स्पॉन करके इसी कटाना से मारे क्या, मजा आएगा? रुको जरा ट्राई करता हूँ, क्या पता स्पॉन हो जाए। नहीं 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 होगा। पर एक सेकंड रुको, यहाँ पे ना पिटने मुझसे कोई और आया है। हाँ भाई ये ले। अरे भाई क्या शॉट मारती है कटाना, खत्म कर दिया इस बंदे को लिटरली। ये ले। व्हाट व्हाट, मैंने क्या किया अभी, मुझे याद नहीं। क्या मैंने कैसे किया ये, मैंने ये कैसे किया? ब्रो डैम, ये मैंने कैसे किया? मैंने अभी टीपी किया, पर कैसे कैसे हुआ टीपी? लेफ्ट क्लिक से हुआ शायद। एक सेकंड रुको, इस पर ट्राई करके देखता हूँ। यहाँ पे एक और बंदा घूम रहा है। ओके लेट्स गो। तुम लोग देख रहे हो भाई, इस बंदे ने टीपी किया है, स्वॉर्ड से काट टूट जाता है ये। लेट्स गो। वो मर गया, सिर्फ टीपी ही नहीं करता, वो काट देता है उसको। भाई साहब ये क्या ओपी स्वॉर्ड है भाई, एकदम जोर वाली फील आ रही है मेरे को। सू, अरे लेट्स गो भाई, क्या स्वॉर्ड है। चलो भाई फटाफट से बैग से निकालता हूँ अपना एक रिकॉल पोशन, इसको फटाफट पीते हैं और चलते सीधे घर पे। एक बॉस रिपीट हो चुका है और अब वक्त है अगले बॉस की। मुझे ना एक और बार ट्राई करना है। एक सेकंड रुको, कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी मिले तो मजा आएगा। कहाँ ट्राई करूँ? कम ऑन, एक मॉब चाहिए मेरे को, जल्दी दिखाओ, जल्दी से मुझे एक मॉब दिखाओ, मुझे स्वॉर्ड ट्राई करनी है जल्दी। हाँ छोटी चिरांद, आज नहीं छोटी चिरांद, आज नहीं, आज तो मैं काट के रख दूंगा। ओए बॉय साहब, क्या डैश मार के मारा है मैंने उसे, मजाक सेट की भाई, ये बहुत ओपी सोर्ड है यार। मुझे पता है क्या है, यहाँ पे ना पूरी जोरो वाली फील आ रही है और पता है सोर्ड का कलर भी एकदम पर्पल है। तो यहाँ पे ना मैं इसका एक नाम रखने वाला हूँ, तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं क्या नाम रखने वाला हूँ। उससे पहले ना फटाफट से अपने एनविल के पास जाता हूँ मैं और इसका ना एक नाम रखते हैं बहुत प्यारा सा। मेरे दिमाग में बहुत मस्त नाम आ रहा है, होपफुली तुम अगर वन पीस के फैन हो ना तुम लोग समझ गए होगे मैं क्या बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा है एनमा। लेट्स गो भाई, यहाँ पे हमारे पास एनमा आ चुकी है जो कि सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेट्स गो भाई, क्या मारती है स्वॉर्ड। और मैंने यहाँ पे नोटिस किया है भाई, जब भी मैं इसे यूज करता हूँ ना मेरा हंगर बार, देखो एक बार लिटरली तुम लोग देखो मेरा हंगर बार अभी 4 है। जैसे मैं इसे एक भी बार यूज करूंगा या डैश करने के लिए भाई हैंगर बार क्या खींच के ले जाती है स्वॉर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास एक और आई आ चुकी है, तो उसको फटाफट से अपनी कलेक्शन में स्टोर कर देते हैं। ये रही हमारी आई और हमारे पास हो चुकी है टोटल 3 आई। तो यहाँ पे अब वक्त है दूसरे बॉस का, चलो भाई फटाफट चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे दूसरे बॉस की लोकेशन ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा एक विलेजर के पास, जो कि हमारा है क्विस्ट विलेजर। सामने की तरफ वो है विलेजर की शॉप, फटाफट चलते हैं और लेट्स गो, यहाँ से डबल जंप मारते हैं। लेट्स गो। ओहो भाई साहब क्या जंप मारा, पर क्या फायदा, फिर से पानी में गिरी गया। इधर आओ, मुझे तुमसे काम है, जल्दी इधर आओ। तो ये वाला बंदा हमें देखा अगला क्विस्ट। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं हमारे दूसरे बॉस के पास और यहाँ पे इस बॉस का नाम है द नाइन टेल्स। नाइन टेल्स, क्या ये बॉस नरूटो से रिलेटेड है? क्योंकि भाई नाइन टेल फॉक्स तो उसी में था, शायद ऐसा हो सकता है ये बॉस कुछ नरूटो टाइप हो। भाई नरूटो ना निकल जाए भाई, मर जाऊंगा वरना मैं तो। एंड यहाँ पे साथ ही साथ मुझे रास्ते में एक बंदा मिला था, उसको मैंने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। ये हमारी हेल्प करेगा साथ में लड़ने में और इसको मैंने खाना दिया और रिसोर्सेज दिए हैं और साथ ही साथ मैंने इसे अपनी सेंटिनल वाली स्वॉर्ड भी दे दी है ताकि अच्छे से फाइट कर पाए। चलो भाई यहाँ पे हम लोग एकदम रेडी हो चुके हैं और अब वक्त है इस नाइन टेल वाले बॉस से फाइट लेने का। होपफुली भाई ये कोई खतरनाक बंदा ना हो। पर एक सेकंड रुको, हम भी कम खतरनाक नहीं है भाई, अब तो मेरे साथ बंदा है, सबको पेल दूंगा। चलो भाई कूदो, लेट्स गो। वाट है एमएलजी भाई, इसने भी एमएलजी करी क्या? ओके नहीं, उससे पहले मुझे एक काम करना है, चीजों तुम लोगों को पता होगा। यहाँ पे मुझे करनी है थोड़ी सी मेडिटेशन, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा ना नजर मार जाता हूँ बॉस पे कि वो कैसा दिखता है। लेट मी चेक भाई, चुपचाप से देखूंगा, यही कहीं है वो बॉस। सामने की तरफ देख रहे हो तुम लोग, उसने मुझे देख लिया है, मैं भाग रहा हूँ, उसने मुझे देख लिया है। नहीं 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 नहीं, दूर से देखूंगा, पास से नहीं जा रहा भाई, क्या पागल हूँ क्या मैं, क्या कर रहा था? वो देखो उसने मुझे देख लिया है। एक सेकंड, ये तो बंदा है, ये तो नॉर्मल है, इसका तो दिखने का स्वरूप भी बहुत सिंपल सा है भाई, ये मुझे मारेगा? ये नाइन टेल बॉस है, वो भी
फोर्थ लेवल का बॉस है ये। खैर जो भी है, अपने को क्या, सबसे पहले हम लोग अपना काम करेंगे, मेडिटेट करेंगे यहाँ पे बैठ के, ताकि हमारी एनर्जी डेवलप हो पाए रीजनरेशन की। तो यहाँ पे हमारी मेडिटेशन स्टार्ट हो चुकी है और कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ पे हमारी एनर्जी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। तुम लोग बस यहाँ पे 2 मिनट वेट करो, अभी मैं पूरी एनर्जी कलेक्ट करके सब तुम्हें मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। फोकस करने दे मेरे को, भाग यहाँ से। अबे हिला दिया इन्होंने मेरे को। अबे यार ये बंदे भाई मुझे फोकस नहीं करने दे रहे। अपने को यहाँ पे स्पीड मिली है, ठीक है। आज हम लोग रीजनरेशन की जगह स्पीड से फाइट करते हैं। मेरे लेवल 3 नहीं पहुंच पाया, इन्होंने मुझे लेवल 2 पे रोक दिया, जहाँ पे मुझे सिर्फ स्पीड मिली है। और भाई तूने मुझे इसने डिस्टर्ब क्यों किया, तू खेले क्या है? एक ट्राइडेंट बेच रहा है भाई ये बंदा। आर यू सीरियस ब्रो, आर यू सीरियस? आजा बेटे नाइन टेल, देखते हैं तुझमें कितना दम है बेटे। बाहर निकल, बाहर आ। ओरे ओरे आ गया, एक सेकेंड। क्या है इस बंदे में? ओरे टेल है इसके पास तो। ओरे भाई भाई भाई, 9 टेल ही है भाई ये बंदा तो। एक सेकंड रुको भाई, मुझे मारना पड़ेगा, बंदा बहुत पावरफुल है। पर एक सेकंड रुको, इसकी हेल्थ बहुत जल्दी जा रही है। आउच भाई, ये 9 टेल है भाई, सच में 9 टेल है ये। लेट्स गो, उसको मार देंगे। मुझे लग रहा है इसको तो मेरा बंदा ही मार देगा अकेले। लेट्स गो, मर गया क्या? अबे एक झटके में मार दिया अपनी एनमा ने। भाई मजाक कर रहे हो क्या? और यहाँ से हमें एक नई आई मिली है, एग्जॉटिक आई। ये क्या सोड़ है भाई, इसने एक झटके में उसकी हेल्थ यूं खत्म कर दी भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं। इजी भाई, एक और आई मिल गई, लेट्स गो, एक और बस डिफीटेड, सुपर इजी भाई। आओ अगले के लिए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है नेक्स्ट बॉस का मैं, तो अभी मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा घर। और एक बुरी बात है कि यहाँ पे मैं अपने बंदे को लेके नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अफसोस भाई मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। तो मैं तो यूज करने वाला हूँ रिकॉल पोशन, और ये बंदा शायद रिकॉल पोशन यूज नहीं कर पाएगा। इसको भी मैंने एक रिकॉल पोशन दे दिया है, अगर ये हमारे घर तक पहुँच पाया ना तो बहुत सही चीज हो जाएगी। लेट्स गो भाई, पहुँच जाइयो। अपना बंदा आया क्या? ओके नहीं, वो बंदा नहीं आ पाएगा, ठीक है भाई। हम अच्छी बात है, वो सॉर्ड लेके आ गए थे। ये है एक फ्लोटिंग आइलैंड जिसके ऊपर रहता है वो बॉस, ठीक है। इसका मतलब मुझे बहुत सारे ब्लॉक्स चाहिए होंगे वहाँ पर चढ़ने के लिए। काफी सारा नेदर एग्स पड़ा हुआ है, इसे रख लेते हैं। ओके भाई, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ कुछ तो है, क्योंकि नीचे बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रखे हैं। लॉर्ड ऑफ स्केरी द स्केलेटन ओवरलॉर्ड, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पेल देंगे। ओ भाई यहाँ पे क्या क्या लोग हैं? व्हाट भाई, ये मुसांडा जैसा दिखने वाला बंदा कौन है? चलो भाई लेट्स गो एनमा। भाई कोल दिए सारे के सारे। कौन है? ओए मार रहा कोई तो। फंस गया। अरे भाई कोई तो बंदा मार रहा तगड़ी तरीके से, मुझे लग रहा है मुसंडा ही मार रहा है। इसको पिलता हूँ जरा। ओए ज्यादा बोलेगा तू, चल यहाँ से। ओए मर गया भाई एक झटके में, भाई क्या बंदा था भाई। ये कौन सा ज़ॉम्बी है भाई? अच्छा अच्छा बेटे, चतुर बनेगा चतुर, चल यहाँ से। ओरे भाई पावरफुल बंदा है, इसको लगता मारना पड़ेगा अच्छे से। ये ले। ओरे भाई क्या खतरनाक बंदा है, उछल उछल के मारता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, इसको पेल देंगे। थोड़ी सी लाइट लगाने दो, अंधेरा हो रहा है। अब आ जाना, अब आ जा, खत्म भाई। यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं फटाफट से ब्रिज कर रहा हूँ और तुम्हें मिलता हूँ सीधे टॉप पर। ओके ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर, लेट्स गो। मर गया, बच गया भाई, बच गया। ये क्या है भाई, बॉस से पहले इन चुलगुजों से फाइट करनी पड़ेगी क्या मुझे? आया नहीं, इन्होंने बम बजाना स्टार्ट कर दिया मेरा। तुम्हें लगता है मेरी बो का स्वाद खाना है? तुम्हें पता नहीं है बहुत पावरफुल बो है। अरे मार रहा है भाई पागल बंदा यार। एक सेकंड, वो क्या है, वो क्या चीज है? अरे भाई साफ क्रीपर है वो तो कोई। लगता है मुझे एक चीज यूज करनी पड़ेगी। लेट्स गो भाई, कूदने का टाइम हो चुका है। लेट्स गो, आ जाओ, आ आ आ, हट जा। पानी में आग लगा दी। आउच, यहाँ तो बहुत खतरनाक लोग हैं। नहीं नहीं भाई, रात में नहीं आना चाहिए था। मुझे लगता है वो लॉर्ड भी भड़क गया है, उसने भी मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया है क्या? अरे यार यहाँ पे तो बहुत ज़ॉम्बी हो रखे हैं, लाइट लगानी पड़ेगी, बस ये काम करना है मुझे अभी। ये लोग कितने सारे हैं? ओके ठीक है, मैं समझ गया, यहाँ पे हर तरफ मुझे लाइट लगानी पड़ेगी वरना मैं मर जाऊंगा। ये लोग ही मुझे मार देंगे, बॉस तो बात की बात है भाई, ये लोग ही पेल देंगे मुझे। मुझे तो बॉस से फाइट करनी थी, तो यार मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा सुबह होने का। अबे क्या कर रहे हो, पागल हो गया? जाने दो ना, मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे, बदतमीज लोग भाई। अब तुम लोग गए भाई, मुझे आ गई गुस्सा बहुत भयंकर तरीके से, मजाक नहीं कर रहा, मुझे गुस्सा आ गई है। व्हाट, ये क्या था, मेरा पीला स्किन हो गया पूरा का पूरा। अरे पॉटी कर दी तुम लोगों ने। अरे भाई उन्होंने कुत्ता बना दिया मेरा, मजाक से हटके। भागना पड़ेगा, इट्स एंड माय टाइम, लेट्स गो। ये ले, नाइस, ये लो, बहुत बढ़िया भाई, क्या मारा है। कितने हो तुम? अरे भाई कितने सारे हैं ये। आउच, नो, खतरनाक सीन हो गया, किसी को तो मैंने मार दिया भाई। यहाँ तो कोई एडवांसमेंट मिल चुकी है मुझे इनको मारने में, भाई फुल स्पैम बाजी चल रही है यहाँ पे तो। आ जा बेटे, इतनी आसानी से नहीं मरने वाला मैं, तुम कोई भी हो, एंड माय टाइम, खत्म।
बेटे अच्छा भागेगा तू, कहाँ भाग रहा है? रुक रुक रुक, अब कहाँ भाग रहा है? रुक रुक, वैसे तो बहुत तेज बनना था तू, अब कहाँ भाग रहा है? रुक, भगोड़ा कहीं का, तुम लोग आओ इधर, ले ये ले ये ले ये ले ये ले। पावरफुल तो हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सब मार दिए। अब बॉस रह गया, बस बॉस के सारे चिलगुजे खत्म कर दिए मैंने। एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं बढ़िया सा, अब यहाँ पे करते हैं बैठ के मेडिटेशन। मजाक सेट के मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इस बॉस को खत्म करने में, सिर्फ 2 मिनट। बॉस तू तो गया बेटे। स्केलेटन गोल्डन एप्पल टाइम, समझ रहा हूँ मैं तेरी पावर, समझ रहा हूँ। इसको 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 एनमा ओपी, बच के इसको। बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, मजा आया, बॉस को मजा आया खा के मेरे शॉट। बच गया। एक बो शॉट मारता हूँ फटाफट से इसमें, लेट्स गो। ओ नो नो नो, स्लो कर दिया इसने मुझे। बच गया। एक सेकंड रुको, पास से लड़ना क्या, दूर से मारता है। मार, चल मार, मुझे खुला चैलेंज, मार, हाथ लगा के दिखा, चल हाथ लगा के दिखा, चल मार के दिखा, खड़ा हूँ यहीं पे, मार के दिखा। क्या हुआ, मार नहीं पा रहा क्या बेटे, टच भी नहीं कर पा रहा क्या? अरे 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 अरे, पागल है क्या बेटे, उड़ा दिया उसने तो, कुछ दिल पे ले गया भाई। चलो भाई खत्म करते हैं इस बॉस को भी। 3, 2, 1। वन शॉट वन केयर। और यहाँ पे मौसम सही में हर टाइम खराब रहता है, अभी बारिश रुकी है जस्ट अभी, फिर से शुरू हो गई। और अपने को एक मैजिकल आई भी मिल चुकी है, हमारा आज का तीसरा बॉस डिफीटेड एंड हमारी यहाँ पे हो चुकी है टोटल 5 आईज। गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और अब हमारा टाइम है यहाँ पे हमारे को डालनी है अपनी आईज अपने कलेक्शन के अंदर, और हमें देखना है कि कितनी आईज बच रही है। तो मेरा कलेक्शन यहाँ रखा है, 3 आईज ये रही, चौथी और ये हमारी 5वीं आई। बहुत बढ़िया भाई, क्या मारा है बॉस को हमने, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी बेबी। एंड अब वक्त है यहाँ पे नेक्स्ट बॉस का, तो यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा कुष्ठ विलेजर के पास। ओके, इसने हमें अगला बॉस का मैप दे दिया है, बहुत बढ़िया भाई, सीन सही है। ये बंदा मुझे मारने आ रहा है, मुझसे मिलने आ रहा है, इसने चुबक चुबक के सुब छुप छुप के क्यों आ रहा है? मिलने तो नहीं आ रहा है, पर भाई तू गलत जगह आ रहा है, बहुत गलत जगह आ रहा है। तो हमें मिल चुका है हमारा फाइनल बॉस जो की है द जाइंट ट्री के पास। एक सेकंड, ये सेंटिनल बॉस की बात कर रहे हैं क्या, जिसको हमने गोलम की हेल्प से मारा था? भाई अगर ये उस चीज की बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ सेंटिनल से फाइट करने के लिए इस बार। अगर ये उसी चीज की बात कर रहा है जो हमने पिछली बार हराया था सेंटिनल नाइट को, तो हम लोग उसे दोबारा भी हरा सकते हैं, और इस बार बिना किसी गोलम की हेल्प और अपने बलबूते पे हरा सकता हूँ मैं इस बार। लेट्स गो, शायद इसी की बात कर रहा है, 100% श्योर। वो बंदा मुझे पहले दिख गया था तो मैंने उसे पहले ही कूट दिया था, पर एक्चुअली वो मेन बॉस था, पर वो हमने चीटिंग से हराया था, पर इस बार मैं उसे पक्का अपने हाथ से हराने वाला हूँ। इस बार मैं कोई मदद नहीं लेने वाला गोलम्स की। कौन मार रहा है? अरे यार गाँव बसे नहीं, भिखारी पहले आ जाते हैं। और एक सेकंड रुको, मेरी ये कार्ट में घूम कौन रहा है भाई? अबे कौन है इसमें? एक सेकंड रुको, कोई तो है उसमें मेरी कार्ट में, कोई घूम रहा है? अबे रुक 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 रुक, कौन है तू भाई? मैंने बनाई थी रेल, तू कैसे घूम रहा है इसमें? ये बतख घूम रही है भाई इसके अंदर। ओके आई एम रेडी, इस बार मैं वो बंदा नहीं हूं जो पिछली बार आया था, मैं इस बार कुछ और ही हूं, याद रखियो। आजा भाई आजा, आ मारना। नॉट बैड, बट ब्रो आर यू सीरियस? लेट्स गो, एचपी क्या गई है इसकी? लेट्स गो भाई। ये ले, लेट्स गो। मरेगा, इस बार तो मरेगा। स्पेयर टाइम, लेट्स गो गाइस। हाँ हाँ, मार नहीं पा रहे क्या? चल तू ट्राई कर ले मारने की, चल मार मार। ओ नाइस, नॉट बैड, मार। और मार भाई, ये बंदा हाथ भी नहीं लगा पाएगा मुझे, तुम लोग देख रहे हो। मार, चलो टाइम बर्बाद नहीं करते, फटाफट से खत्म करते हैं। अग्रेसिव है भाई तू, है ना? ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो रहा तू? बहुत बढ़िया, पर अभी मेरी चांस, थोड़ी देर रुक जा, एक सेकंड रुक। अरे रुक जा भाई, रुक जा थोड़ा सा, ट्रोल करने दो मुझे इसे, मेरी चांस, लेट्स गो। डेड भाई, डेड।
आइस वगैरह दोबारा मिल चुकी है पर मुझे चाहिए नहीं। वेलकम बैक गाइस, वापस हम लोग आ चुके हैं घर पे और हमें हो रहे हैं नशे, घर आने की खुशी में नशे होते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने डिफीट किए हैं 4 बॉसेस, वो भी बहुत ही ज्यादा इजीली, क्योंकि हमारे पास मेडिटेशन की वजह से हमें मिल गई थी बहुत खतरनाक रीजनरेशन, एंड साथ ही साथ आज हमें मिली है एनमा नाम की स्वॉर्ड। लेट्स गो। ओ भाई क्या डैमेज देती है, मजाक से हटके। थोड़े बहुत बॉसेस और बचे हुए हैं, उनको हम डिफीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लेट्स गो।